दिनों के सपने जब लेंगे उतारियां। या मॉम, ना टुट पैनिया, ना प्लान क्या है तेरा? प्लान तो बहुत कैंट है मेरे पास। छेती छेती बता। पहले मुंह मिठा करवाओ मेरा। अब बता। अब देख रहे हो? ये है तेजो संधू और ये इसकी छोटी बहन जैस्मिन संधू। और सुना है कि बड़े टाइम से ना कनाडा के मुंडों पे नजर है इनकी। पर जो जैस्मिन संधू है ना, ये बॉल का दो बारी फॉर्म भर चुकी है और हर बारी फेल हो जाती है। और इस बारी इसकी बड़ी बहन तेजो संधू ने भी इसका फॉर्म भरा है। माता लेक्चरार है, लेक्चरार मतलब सारी उम्र कमा कमा के खिलाएगी बस, और कुछ नहीं है। और कितना कमा लेती होगी लेक्चरार की नौकरी करने वाली? 20-25 हजार बस। माता यार, आपका पुत्र बेवकूफ थोड़ी है। ये देखो फॉर्म में क्या भरा इन्होंने, 40 किल्ले जमीन है इनकी। 40 किल्ले माता? 40 किल्ले जमीन? चाली किले जी की कर रहे हो? रुपी एक पौधे ही पीछे से बोलो 40 किले। तो आपको क्या लगता है तेजो के लेक्चरर होने की वजह से उसका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है? तेजो को पता है इस बात का? अरे उसको पता चल गया ना, बाय गॉड की सो हम गाड़ी में नहीं गाड़ी के बाहर नजर आएंगे। बीजी अगर आपसे कोई पूछे ना तो ढक लेना, खुद संभाल लेना। फिक्र ना कर दू, फिक्र ना कर। आपके बेटे का तो आपको पता ही है। मेरा बेटा है? हाँ, आपका बेटा है, इसलिए बता रही हूँ। अगर उनसे किसी ने पूछ लिया ना, उन्होंने तो खुल्ला ही बता देना। ना जी, हमारे पास 40 किले नहीं, 4 किले जमीन है। सही कह रही है। इस बार कुड़िया कनाडा चली जाए बस, रब से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तेजू कनाडा पहुँच के ना जिंदगी की लाइफ बन जानी है, मजे को फन हो जाना है, बाय गॉड फुल स्वैग होगा अपना। हाँ दीदी हाँ। और मैंने तो सोच लिया वहां जाके ना मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, वो भी फुल स्पीड में। वहां ना स्पीड लिमिट होती है, चलान सीधा मेल पे आता है। अरे मैडम जी आजकल तो यहाँ पे भी आ जाता है। तो तुसे आगे देख के चलाओ, वो तो यहाँ पे भी आ जाते हैं। मुझे ना कनाडा के बारे में सब कुछ पता है। ओके अच्छा हाँ अच्छा ये बताओ कनाडा में ड्राइविंग कौन सी साइड पे होती है? इतना आसान सवाल। अरे वो लेफ्ट हैंड वाली? वो लेफ्ट हैंड वाली क्या होता है? पूरा बोल जस्सू, लेफ्ट हैंड ड्राइव। वो छट ना यार, क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए, कोई ब्रांड स्ट्रैंड की बातें कर। उसी पराठा वर्सेसे जस्सू गुची प्राडा वर्साची। अच्छा हाँ, इतना दिलराज को भी पता है ना दिलराज? देख ले। ओ छोटू यार, और वैसे यार ड्राइविंग श्राइविंग का मुझे चार डालना है क्या? मुझे तो मेरा हबी डियरेस्ट ले जाएगा हर जगह। मुझे तो मेरा हबी डियरेस्ट ले जाएगा हर जगह। जस्सू थोड़ा इंडिपेंडेंट बन, और वहाँ पे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। और हबी डियरेस्ट काम करेगा ये आपकी? जी हजूरी मैडम। जी हजूरी। रब करे जस्सू तुझे तेरा हबी डियरेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे जैसे मैं करती हूँ, और साथ में जी हुजूर भी करेगा तो चलेगा। ओए भाई, ओ फतेह, ओ फतेह भाई, ओ फतेह यार मर गया तू, ओ गया तू यार। अबे मरा हुआ तो तू लग रहा है। ओए दांत फाड़ना बंद कर, बैड न्यूज लेके आया हूँ जैस्मिन भाभी की। ओए क्यों होया जैस्मिन को? और जैस्मिन को नहीं, जैस्मिन का क्या होया? ब्याह, चंडीगढ़ गई है शॉपिंग करने ब्याह के लिए। और तुझे किसने बताया? ड्यूटी दे रहा था तेरी कॉलेज के बाहर। हाँ दो लड़कियों से सुना मैंने, भाभी और उसकी फैमिली साथ में गए चंडीगढ़ ब्याह की शॉपिंग करने। तो मस्त है ना? हाँ
थे जो मैं एक मिनट में आई। जस्सू चंडीगढ़ गई है ना मिस संधू, मिसेस विर्क बन के वापस आएगी। चल बूझो बैठ। ओ बैठ। और टाइम निकल गया, गई भाभी हाथ से, अब नहीं कोई उम्मीद। ओ बूझो, जिन दो दिलों की डोरी वो बांध के बेचता है ना, उनको मिलने में भले ही देर हो जाए लेकिन ना उम्मीदी नहीं होती है। प्लीज जल्दी से मेरा हाथ देके बताइए ना, मैं कनाडा कब जाऊंगी। आपके भाग्य में नहीं है, आप नहीं जा पाएंगी कनाडा। मुझे हाथ देख रहा है मेरा, ये हाथ की लकीरों में उसका नाम लिखवा के लाया हूँ, तो चाह के भी किसी और की नहीं हो सकते। चल आप बैठ। हाँ लिखा तो हुआ है मिस संधु। चल उठ। परे पागल हो गया क्या लगता है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप जैसे डोंगियों को। आपको क्या लगा मैं कहूंगी हाय पंडित जी कोई उपाय शुपाय बताओ ना, कोई पाठ पूट करवाओ ना। जैस्मिन सुन लो पंडित जी, पैसे चाहे कितने ही लग जाए, कनाडा तो मैं जाके रहूंगी। टाइम तो देख, मॉल भी चलना, चल जल्दी। हाँ चल चल। मेरे चल। पैसे? ओ, तुम जैसे ठगियों को पैसे नहीं देती मैं। पैसे जस्सू। सॉरी पंडित जी, मेरी बहन थोड़ी झल्ली है। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? नहीं पंडित जी, थैंक यू। प्लीज एक बार। आप अपने परिवार से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे, वरना उनकी उलझने आपके पांव की बेरियां बन जाएंगी। आपकी और आपकी बहन की यह हाथ की लकीरें एक दूसरे से गठी हुई हैं। लकीरें परिवार से नहीं गटेंगी तो किससे गटेंगी पंडित जी? चलते हैं। हेलो अमरीक, कुछ पता चला? अरे वेट करो, अभी पता करता हूँ, होल्ड करो। हाँ जल्दी बता। हेलो पिंकी, सॉरी स्वीटी। अच्छा सुन, सिद्धू मूसेवाले का ना कॉन्सर्ट है अगले हफ्ते, और मेरे पास ना VIP टिकट्स भी हैं, वो भी दो, चलेगी मेरे साथ? पक्का यार, ये भी कोई पूछने वाली गल है? चल ठीक है फिर, गल पक्की। अब तू फटाफट मेरा काम कर दे जो मैंने तुझे बोला था। हेलो जैस्मिन, कितने हैं तू? पहुंच गए चंडीगढ़? हाँ बस अभी अभी पहुंचे। रॉक गार्डन घूम रही होनी है ना? एक्सक्यूज मी, मॉल में हूँ। अरे वो जीतू कुमार है ना, उसे लहंगा लेने। हेलो हेलो फतेहवीर, मॉल। चल ठीक है ओके। माता आ देखो, आ तेरी होने वाली नू ना उठे। ओ माता मिलने नहीं, इन्हें रोकने जा रहा हूं ताकि ये 5 बजे तक बॉल ऑफिस ना पहुंच जाए। आई बात समझ? आहो पुत्र, अगर ये 5 बजे तक बॉल ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगी तो बॉल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, और बॉल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी तो माता कनाडा जाने के सपने के साथ साथ ना इन दोनों बिचारियों के ना दिल भी टूट जाने, और फिर बिना कोई छानबीन किए इन्होंने हमारे जाल में चौकड़ी मार के बैठ जाना। माता समझ आई? माता मेरी है, तैयार कर लो नोटा वाला हार। बस देखो थोड़ा पुत हूं करदा की है।